महमूद सुल्तान पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार हैं जो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से ब्रैडफोर्ड में मुकीम हैं। उनके घर को पाकिस्तान से जाने वाले कई फिल्मी सितारों और फिल्म मेकर्स की मेज़बानी का शर्फ हासिल है। पाकिस्तान से ब्रैडफोर्ड जाने वाले पाकिस्तानी फनकारों की मेहमान नवाजी करके उन्हें खुशी मिलती है। महमूद सुल्तान 1977 से बरतानिया में हैं, लेकिन वतन की मोहब्बत और यादें सीने से लगाए रहते हैं। बरतानिया में मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार करने से पहले स्टेज, रेडियो और फिल्मों में स्ट्रगलर आर्टिस्ट के तौर पर मसरूफ थे और नामवर एक्टर बनने की जद्दोजहद कर रहे थे। उनके वालिद हाजी टिका खान का कराची के कदीम इलाके रनछोड़ लाइन में एम्ब्रॉयडरी के हवाले से बड़ा नाम था। ये दुकान आज भी मौजूद है, जिसका इंतजाम महमूद सुल्तान के भाई सईद संभालते हैं। 70 की दहाई में एक्टिंग की स्ट्रगल को एक जानब रखते हुए बेहतर मुस्तकबिल की खातिर महमूद सुल्तान ब्रैडफोर्ड के मकीन हुए और वहाँ एम्ब्रॉयडरी की शॉप खोली। बरतानिया में बरसों से क्याम के बावजूद महमूद सुल्तान और उनकी फैमिली मशरकी रवायात से जुड़ी हुई है और उनके घर में रमजानुल मुबारक, ईद और दीगर त्यौहार उसी जोश व जज्बे के साथ मनाए जाते हैं जिस तरह लोग पाकिस्तान में मजहबी और कौमी त्यौहारों पर खुसूसी एहतमाम करते हैं। जहाँ कहीं भी हैं इस दुनिया से रुखसत हो गया आपके पास, सबको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए या अल्लाह पाक। आमीन। मेरे दादा दादी उसके ख़ानदान वाले, नाना नानी उसके ख़ानदान वाले, मेरा बेटा कैसर महमूद सुल्तान को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, मेरी भाभी गुलशन को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, और जो उस दुनिया में बीमार है या अल्लाह पाक उन सबको शिफाए कुली अता फरमा या अल्लाह पाक। कल जो जहाज कराची में गिरा है अल्लाह पाक, उसमें जो शहीद हो गए उनके सबको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा या अल्लाह पाक, और उनके रवाकिन को सब्र जमील अता फरमा या अल्लाह पाक। आने वाले साल में हमें रमजान शरीफ देखने का मौका दे या अल्लाह पाक, हमें रमजान शरीफ देखने का मौका दे या अल्लाह पाक, हमसे राजी हो जाए या अल्लाह पाक, इस कोरोना बीमारी को दूर कर दें या अल्लाह पाक, इस कोरोना बीमारी को दूर कर दें, अपने दर के दरवाजे हम पे खोल दें, हम मस्जिदें बंद हैं या अल्लाह पाक, मस्जिदें बंद हैं या अल्लाह पाक, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते मस्जिदों में, कल ईद है, ईद का दिन में नमाज पढ़ी जाती है या अल्लाह पाक, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे या अल्लाह पाक, हमसे राजी हो जा, हमसे राजी हो, मेरे बीवी बच्चों के हक में, बहन भाइयों के हक में, भाभी बहनोई उनके बच्चों के हक में, दिन दोस्तों ने, बहनों ने, बेटों ने दुआओं करने कहा मुझे या अल्लाह पाक, उन सब की दुआओं पर कबूल कर या अल्लाह पाक। इस दुनिया में जितने इंसान सांस रह रहे हैं, जितने जानवर सांस रहे हैं, उन सब के हक में, उनके बच्चों के हक में, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के हक में जो बेहतर हो वो तो आप करते या अल्लाह। मेरे बेटे फैसल को, उसकी बेगम, उसकी बेटी को या अल्लाह पाक, सायरा को, उसके हस्बैंड आबिद को या अल्लाह पाक, मेरी 3 नमाज़ियों के हक में जो बेहतर है वही करते हैं। दुनिया में हर इंसान के हक में जो बेहतर हो या अल्लाह पाक आप वही करते हैं। आखिरी रोजे के सदके मंद से राजी होकर ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलि वसल्लम। कोविड-19 के सबब जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है, वहीं बरतानिया भी इससे खास तौर पर मुतासिर हुआ है, जिसके सबब इस बरस बरतानिया में मुकीम मुसलमानों ने ईद का त्यौहार इंतहाई सादगी से मनाया। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्रैडफोर्ड की मस्जिद है, मस्जिद वेस्ट गेट मॉस्क, वेस्ट गेट मॉस्क। ये खाली जो आपको ऊपर गुंबद नजर आ रहा है, कम अज़ कम 80,000 पौंड का एक घुमट है। किस तरह बनाए ये ब्रैडफोर्ड को लोगों ने, चंदन ब्रैडफोर्ड को लोगों ने मेहनत की। अब कुछ नहीं है, कोई नमाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है लॉकडाउन की वजह से। जब मेरे से पहले लोग जब आए थे तो घरों में नमाज पढ़ते थे, ईद घरों में मनाई, या कोई क्लब नाइट क्लब किराए पर ले लेते थे, ईद वहाँ मनाई जाती थी। अब तो बहुत अच्छा हो गया यहाँ, मगर लॉकडाउन की वजह से
बहुत सर। इस मस्जिद की जब ओपनिंग हुई थी तो मेरे अब्बा हुजूर ने भी उस ओपनिंग में हिस्सा लिया था। मेरे वालिद साहब का नाम है हाजी मोहम्मद टिकाहा। बड़ी पुरानी बात होगी, 30 से 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम भी यहाँ थे, वो आते थे यूके में कभी कभी और जल्दी भाग जाते थे, उनका दिल नहीं लगता था। वो कराची रामस्वामी में उनका दिल लगता था। महमूद सुल्तान फैमिली के लिए ये ईद इस हवाले से भी उदासी का सबब है कि हाल ही में उनके जवां साल साहबजादे कैसर सुल्तान इस दारे फानी से कूच कर गए। महमूद सुल्तान और उनके बड़े साहबजादे ईद के दिन सबसे पहले ब्रैडफोर्ड के शहर खमोशा गए, जहां कैसर सुल्तान मदफून है। ये मेरा बड़ा बेटा है फैसल महमूद सुल्तान। हम कब्रिस्तान में आए अपने बेटे से मिलने, ये अपने भाई से मिलने आए। برطانیہ کی سکونت اختیار کرنے کے بعد محمود سلطان نے کڑی محنت کی اور مختلف جابز کی۔ انہوں نے سیکیورٹی ایجنسی میں بھی ملازمت کی اور طویل عرصہ کیب ڈرائیونگ بھی کی، لیکن ایکٹنگ کا جنون کم نہیں ہوا۔ وہ نہ صرف برطانیہ میں ریڈیو، ٹی وی اور سٹیج سے وابستہ رہے، بلکہ گائے بگائے پاکستان آ کر بھی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ میں 1952 میں کراچی میں پیدا ہوا، رام سوامی میں، اور پھر وہیں اسکول ملا اسکول مدرسہ اتحاد الاسلام میں پڑھا۔ اس کے بعد بڑے اسکول طیب علی ایل بی سیکنڈری اسکول گیا۔ 1969 میں میں نے میٹرک کیا وہاں سے۔ اس کے بعد میں اسلامیہ کالج گیا۔ اسلامیہ کالج میں داخلے کے بعد داخلہ لیا، وہاں پڑھے۔ اس کے بعد وہاں سے ہی یہ جنون چڑھا مصطفیٰ قریشی کو دیکھ کے۔ 1970 سے ان کی فلمیں شروع ہوئی تھی، تو پھر بزم طلبہ میں ریڈیو کے پروگراموں میں حصہ لیا میں نے، اور پھر اس کے بعد اسٹیج ڈرامے شروع کیے۔ اسٹیج کرتے کرتے اسٹیج روڈوں پہ بھی کیے، اسٹیج پھر آدم جی ہال میں کیا، تھیوے سگل ہال میں کیا، فلیٹ کلب میں کیا، اور لیاری کے روڈوں پہ تمبو لگا کے ہم لوگوں نے اسٹیج ڈرامے کیے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے آگے چلتے چلتے وقت آتا گیا، آگے بڑھتے گئے اور فلموں کی طرف میں راغب ہو گیا۔ اور ٹی وی ڈراموں کے لیے اتنا ہے کہ میں ٹی وی ڈرامے بس فلموں میں کام کرنا چاہتا تھا۔ تو 1976-75 کی بات ہے، یہاں سے کوئی مجھے لاہور لے کے گیا تھا، تو وہاں مشکلوں سے کام ملا تھا، ایکسٹرا کام کرتا تھا۔ منور ظریف کے ساتھ ایکسٹرا کیا، اقبال حسن کے ساتھ ایکسٹرا کیا۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے کچھ چھوٹے چھوٹے رول ملتے رہے مجھے۔ پھر میری دشمنی میں مجھے دو ڈانس کے اندر حصہ لیا۔ اس کے بعد پھر اس میں ایک ڈائلگ بھی ہوا۔ اس کے بعد اس طرح چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں نکل آئے۔ 77 میں ہی میں یہاں آ گیا تھا۔
फिर मैं यहाँ से जब पाकिस्तान आता जाता रहता था तो मैं काम करता था इस घर में जहाँ हम लोग खड़े हैं अभी। यहाँ इस घर में उमर शरीफ भी आए हुए हैं, तहसीन जावेद साहब भी आए हुए हैं, उसके बाद यहाँ जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ जुल्कनर हैदर भी आए हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी आए हैं। बस इस तरह आता जाता रहता था पाकिस्तान। पाकिस्तानी फिल्मों में कई फिल्मों में इकबाल काश्मीरी की 4 फिल्मों में काम किया, उसके बाद हसनैन की फिल्म में काम किया, हसन अस्करी की फिल्म में काम किया, जान मोहम्मद महरूम की फिल्मों में काम किया, मोहम्मद शरीफ की फिल्मों में काम किया, सईद रिजवी की फिल्मों में काम किया। उसके बाद यहाँ यूके में भी इंग्लिश फिल्म बनी थी उसमें काम किया था, लाइज वी टेल में काम किया, बड़ा अच्छा लगा, उसमें रेड कार्पेट पे भी गया था। उसके अलावा एक इंडिया की फिल्म में भी काम किया, और अभी पिछले 2 साल पहले पाकिस्तानी फिल्म एक्टर की ब्लॉग उसमें काम मिला था, मुझे बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद एक और फिल्म बनी थी आज़ादी, परवेज मलक के बेटे की, इमरान मलक की, उन्होंने मुझे बैंक काम बुलाया था। फिर पिछले साल छोटी ईद पे मेरी पाकिस्तानी फिल्म पाकिस्तान में भी यहाँ भी रिलीज़ हुई थी, होम नंबर पार्ट 2। और इत्तेफाक की बात है अब फिर ईद आ गई है, छोटी ईद पे लगी थी, अब वो टीवी पे लग रही है। तो यहाँ भी हमारे डायरेक्टर हैं जो पाकिस्तानी ड्रामे बनाते रहे, उनके साथ बहुत काम किया, उनका नाम है शफीक रहमान, और इसके अलावा शफीक रहमान के अलावा ज़फ़र अली हीरो भी यहाँ हैं, उनके साथ भी काम करते रहता हूँ, और इसके अलावा टीवी में भी हमारा काम चलता रहता है। महमूद सुल्तान ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया जिसके लिए वो खसूसी तौर पर बरतानिया से पाकिस्तान आते थे। उनकी पहली फिल्म मेरी दुश्मनी थी जो उन्होंने बरतानिया जाने से कबल साइन की थी। ये फिल्म 1976 में रिलीज़ हुई, इसके डायरेक्टर मुमताज़ अली खान थे। ये वो जगह है, वो घर है मेरे पीछे जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ। 1977 नवंबर में मैं यहाँ इस घर में आया था और इसी घर में मेरी शादी हुई। इस घर में मेरी शादी हुई थी नवंबर में, और इस इलाके का नाम है वेस्ट पॉलिंग पास बीच रोड। तो यही पहली दफ़ा आया था यहाँ से, फिर मैं मार्क स्ट्रीट चला गया अपने घर लेने। तो यादें रह गई हैं आपको बता रहा हूँ, वही मकान है, वही गलियां हैं, वही कूचे हैं। यहाँ जो रहने वाले थे मिसाल के तौर पे मेरे
خالو جنہوں نے مجھے بلایا تھا میری خالہ وہ انہ للہ و انہ لے راجعون ہو یہ گھر چھوٹ گیا یہاں سے دوسری جگہ موو ہو گیا یہ وہ جگہ ہے جب میں 1977 نومبر میں آیا تھا دسمبر میں یہاں میری دکان ہوتی تھی ایمبرائڈری کی اس کا نام تھا کراچی کشیرہ کاری ہاؤس تو 4 سال میں نے اس جگہ اپنی دکان چلائی ہے بس پھر آگے پیچھے ہو گیا کیوں جنون تھا کہ فلموں میں کام کرنے کا اسی چکر میں یہ دکان بھی گئی اور یہ اس روڈ کا نام ہے لیڈ روڈ لیڈ روڈ یہاں ایک دکان پہلے ہوتی تھی شیبا ویڈیو یہاں ہمایوں قریشی بھی آیا ہوا ہے یہاں سب آتے رہتے تھے میرے پاس بھی آتے رہتے تھے اور یہ سب یہ پرانی دکانیں یہ جوگ بھی ہیں یہ پرانی اب ہے پرانی اس میں نئے چیزیں بن گئی ہیں لیڈ روڈ بہت ہی پرانا ہے ابھی میں آپ کو لے کے چلوں گا یہاں سے میں پیدل یہاں ایک مسجد ہو ہے اب بھی ہے جب میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتا تھا اور جب 77 کی بات سے لے کے 71 72 73 81 آپ بولیں چلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جامعہ مسجد تبلیغ الاسلام جی ہاں 77 میں جب میں یہاں میری دکان ہوتی تھی 78 79 80 81 82 اس مسجد میں آتا تھا جمعے کی نماز پڑھنے اور آج تک یہ مسجد قائم ہے پہلے بہت چھوٹی ہوتی تھی اب بڑی ہوتی جاتی جتنا جتنا انسان بڑھتا جاتا ہے لوگ آتے رہتے تو مسجد بڑھتی جاتی ہے اور یہ مسجد کے جو ہے جو ابھی آپ نے دیکھی ویسٹ گیٹ مسجد بنائی وہ سب ایک ہی ہے سب ایک ہی لوگوں نے بنائی بس ہم نہ ہوں گے یہ مسجدیں یہاں ہوں گی ہمارے بریڈ فورڈ کے نقشے نگار 42 سال سے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں اب دیکھ لیں وہ سامنے لکھا ہوا ہے بریڈ فورڈ آم یہ شراب خانہ ہوتا تھا کسی زمانے میں اور آج کل یہ جتنے بھی پاکستانی جہاں آباد ہو گئے ہیں اس علاقوں سے سارے شراب خانے بند ہی ہو گئے ہیں پتہ نہیں کیوں بنے گئے دیکھیں پرانی پرانی عمارتیں ہیں سب اسی طرح بریڈ فورڈ کا اور یہ اس کو کہتے ہیں بولنگ بیک لین بولنگ بیک لین اور یہ بسوں کا اڈا ہے یہاں بسیں آ کے ڈیپو میں رکتی ہیں تو بتا یہ نہ چاہتا ہوں یہاں فروٹ مارکیٹ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ میں سم جیمس فروٹ مارکیٹ بہت بڑی فروٹ منڈی ہے فروٹ منڈی ہے صبح 4 بجے 3 بجے کھلتی ہے 10 11 بجے بند ہو جاتی ہے یہ دیکھ لو لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ گرودوارا ہے دیکھیں سکھوں کا گرودوارا تو آپ کو لیے چلتا ہوں ابھی ویسٹ بولنگ میں جہاں میں پہلی دفعہ آیا تھا یو کے سے اوہ سوری یو کے سے نہیں پاکستان سے کراچی سے تو یہ وہ راستہ جا رہا ہے میرے جہاں میں پہلی دفعہ آیا تھا اور اسی راستوں پہ میں کم از کم 18 20 سال تک آتا جاتا رہا ہوں اس کے بعد میں نے چینج کیا مکان یہ دیکھیں سب خالی خالی پڑا ہوا ہے یہ کچھ نئی چیزیں بن گئی ہیں کچھ پرانی ابھی تک وہی ہیں یہ نیا اسکول ابھی بنا ہے یہ نیا اسکول ابھی بنا ہے یہ دیکھ لیں لاک ڈاؤن یہ میرا 79 میں میرے ایک گھر 79 میں یہاں میں رہتا تھا میرے 3 بچے اسی گھر میں پیدا ہوئے انہی گلیوں میں میرے بچے بڑے ہوئے اور اس گھر میں عمر شریف آیا اس کی امی آئی اس کی بہنیں آئی اس کے بچے آئے اس کے علاوہ اس گھر میں آصف خان آیا اس کی مسز آئی ہمایوں قریشی آیا یہ بہت یادگار گھر ہے میرے لیے آپ دیکھ لو اب یہاں سے میں موو ہو گیا اس اسٹریٹ کا نام ہے مارک اسٹریٹ اور علاقے کا نام ہے ویسٹ بولنگ بس یہ راستہ ہے دیکھیں یہاں بھی ہم گھومیں یہ میرے بچے یہاں کہتے تھے یہ میرا گھر تھا یہ اور اس گھر میں میرے یہاں معین اختر صاحب آئے تھے سیما رضوی صاحبہ آئی تھی افرار اور حق آئے تھے
इलाके का नाम है लबनान। इसकी खसूसियत यह है कि यहाँ उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी की बुनियाद और सबसे पहले जलसा इधर एक पार्क है वहाँ किया था। और यह है स्वीट सेंटर, ये हलवा पूड़ी की मशहूर दुकान है, 50 साल से यहाँ है स्वीट सेंटर, इसका नाम है 50 साल से ये है। और ये लबनान इसका इलाके का नाम है और भुट्टो मरूम ने यहाँ अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। ये है ब्रेडफोर्ड का सनी वर्ल्ड सिनेमा। जी हाँ, सनी वर्ल्ड सिनेमा लेज़र एक्सचेंज, क्राउन कोर्ट भी यहीं है। तो ये वो सिनेमा है जहाँ मेरी फिल्में लगती रही हैं। इसमें वेलकम टू कराची भी था, एक्टर इन लॉ भी, और लास्ट ईयर लगी थी रॉन्ग नंबर पार्ट। सनी वर्ल्ड सिनेमा, उसमें 20 या 25 स्क्रीन चलती हैं, इंडिया की फिल्में लगती हैं, इंग्लिश फिल्में लगती हैं और दूसरी जबान में, और हमारी फिल्में भी इसमें चलती हैं। अभी पिछले साल यहाँ मेरी फिल्म चली थी रॉन्ग नंबर पार्ट 2, और उससे पहले चली थी वेलकम टू कराची, और उससे पहले लगी थी एक्टर इन लॉ। एक्टर इन लॉ मैंने ये फिल्म अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ यहाँ बैठ कर देखी थी। बस बड़े बड़े सिनेमे हैं, और इसी ब्रेडफोर्ड में एक और सिनेमा भी है, उसका नाम है ओडियन, उसमें भी पाकिस्तानी फिल्में लगती हैं। बस ये है कि पाकिस्तानी फिल्में अच्छी हो तो चलती हैं, नहीं तो यहाँ आते लगती हैं। बस गुड लक टू पाकिस्तानी फिल्म। यह हमारे ब्रेडफोर्ड की मस्जिद है, मस्जिद हनफिया, और मैं आपको बता दूँ बड़ी रौनक होती थी यहाँ, बड़ी रौनक होती थी। अभी रौनक ख़त्म हो गई, आज ईद का दिन है, नमाज़ नहीं पढ़ गई, ईद की नमाज़ जुम्मे नहीं, कुछ नहीं पढ़ गए। और ये किस जगह बनी मैं तुम्हें बता दूँ, 80 में यहाँ सिनेमे थे, एक नाच था और एक संगीत सिनेमा, उसको ये तोड़ के ये मस्जिद यहाँ बनाई गई है। तो ये इसका कार पार्क है मस्जिद का, एक से अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हमारे ब्रेडफोर्ड को, बस कोरोना की वजह से हाँ। और अभी संगीत सिनेमा का नाम मैंने दिया था, 1980 में ये अपने क्या नाम है नुसरत फ़तेह अली खान सबसे पहले ब्रेडफोर्ड में यहाँ आया था, उसकी यहाँ कवाली सिनेमा में हुई थी। देख ले हमारा ब्रेडफोर्ड, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सुफत इस्लाम ये मस्जिद का नाम है, डांगरी शरफ डांगरी शरीफ वालों की मस्जिद, और इतनी खूबसूरत है, इसमें मदरसे हैं, इसमें रहने की जगह है, इतनी खूबसूरत ईंटों से बनाई गई है, बहुत प्यारी है मस्जिद है। और यहाँ कहते हैं अल्लाह के घर, अल्लाह के घर ऐसे ऐसे बन गए माशाल्लाह माशाल्लाह। देखने के काबिल खुद देख रहा है, ऐसा नज़ारा है इसका, सुफत इस्लाम वो देखने से गेट, वो देखो कैसे कैसे लाल पत्थरों की बनी हुई है। तो यही है। और हमारे यहाँ दीन की तालीम बहुत है, हमारे यहाँ दीन की तालीम बहुत है, हमारे यहाँ बच्चे हाफिज बन रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, अफसर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं। और ये है हमारे ब्रेडफोर्ड का इंटरचेंज, मतलब है यहाँ बसें आती हैं, ट्रेन चलती हैं, कोचें चलती हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ, बिंगो प्ले होते हैं, हम भी यहाँ आते जाते हैं, टैक्सी चलाते थे यहीं आते थे, और सब लॉकडाउन की वजह से खामोश हो रहे हैं, सब खामोश है। ये है सनराइज हाउस, सनराइज रेडियो, सनराइज रेडियो से पहले यह होता था ब्रेडफोर्ड सिटी रेडियो। जी हाँ, ब्रेडफोर्ड सिटी रेडियो, इसमें मैं 3 घंटे रोज़ प्रोग्राम करता था, उर्दू प्रोग्राम करता था। ये है हमारे ब्रेडफोर्ड का अल्हम्ब्रा, जहाँ स्टेज ड्रामे इंग्लिश होते हैं और कवालियाँ भी होती है। नुसरत फ़तेह अली खान भी यहाँ आता था। अब हम आपको लिए चलते हैं ब्रेडफोर्ड के सेंट जोसेफ हॉल में। ये जगह, इस जगह में खड़ा हूँ, इस जगह जब उमर शरीफ और शाजिया मंजूर का शो आया था, तो आप लोग यकीन करें 7:30 बजे शो शुरू हुआ था,
शो था, मतलब पब्लिक इतनी थी, पब्लिक इतनी थी, मैं बता नहीं सकता। यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक नज़र जाती थी, जहाँ तक नज़र जाती थी, प्योर व्यू था। उमर शरीफ, उमर शरीफ इज उमर शरीफ, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको जिंदगी दे। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का सरमाया, और ये संजोदी साल है। यहाँ बड़े, हाँ यहाँ लोग जाते आ रहे हैं, लोग जाते भी भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ देखने वालों को, ये मेरा दोस्त है अरशद खोकर। जितने साल मुझे इस कंट्री में हो गए, उस दिन से मेरा, आज तक ये मेरा दोस्त है। इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी हमारा दोस्त रहेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी लीड रोड पे दुकान थी कशीदा कारी की, तो ये तू क्या करता था उस वक्त? तो मैं भी एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, दुकान थी मेरी बम लेन पे। हाँ, और उसके बाद वो हमने दुकान छोड़ी, तो फिर और काम शुरू कर दिए। तो और काल में और कि उसके तो क्या बनाता था, एडवर्टाइजर बनाता था, एडवर्टाइज कमर्शियल बनाता था। वो तो काफ़ी देर बाद किया उसका। उससे पहले टेक्सटाइल में थे, टेक्सटाइल में हम, हाँ एक मिल में काम करते थे हम दोनों, मोटर्स बाइक पे वहाँ जाते रहे काम करने के लिए। मिलों में भी काम हमने भी किया, यहाँ के क्या क्या नहीं किया। तो अब फिर मैं तो अभी तक फिल्मों में चल रहा हूँ, और अभी मैं आपको मैं बता रहा हूँ, अभी भी मेरी आज ही या दो तीन के दिन के बाद ARY की मेरी फिल्म चल रही है, रॉन्ग नंबर पार्ट 2। तुम कुछ कहना चाहते हो मेरे बारे में? ये माशाल्लाह तो अभी तक लगे जोर से फिल्म इंडस्ट्री में, तो आज तो चल रहे हैं। तो मैंने तो ये पैकअप कर लिया, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे वैसे खुशी होती है जब आपको मैं देखता हूँ स्क्रीन पे कि आप माशाल्लाह अभी तक लगे हुए हैं। जिधर है आपको बस हमारी तरफ से ईद की खुशियाँ भी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। लॉकडाउन है, लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंस रखना चाहता है। सलामत रहें आप, सलामत रहें तुम्हारे खूबसूरत घर, सलामत रहें तुम्हारे बच्चे। थैंक यू वेरी मच अर्शद, थैंक यू वेरी मच जी। ये ईद का दिन है, बच्चे कह रहे हैं कि मेरी नवासियां हैं मदिया कायनात, सबा लीजा, नादिया लीजा, नादिया सहर, एंड व्हाट्स योर नेम? सबा लीजा। अभी ईद का दिन है तो कह रहे हैं बाबा हमारे साथ भी कुछ खेलो, तो मैं इनके साथ बैठ के यहां खेल रहा हूं। देखो ये मेरे मामू हैं रियाज, और सबसे पहले इस कंट्री में एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए थे 1977 में हीथ्रो एयरपोर्ट पर, जो मुझे यहां ब्रेडफोर्ड लेके आए। भाई ईद गुजर गई, ईद का दूसरा दिन है, तो रमजान गुजरे, बड़े अच्छे गुजरे रमजान, रोजे रखे, राबिया घर में पढ़ी, नमाजें नहीं पढ़ी मस्जिद में, आपको मस्जिदें भी दिखाई। तो कल ईद का दिन था, ईद का दिन भी हमने गुजारा। तो उसके बाद बच्चों में, बच्चे मेरे आए, पहली दफा बैठ के बनाई हमने। ये कोरोना वायरस की वजह से गले नहीं मिले किसी से, मगर आए जरूर। पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल में आ गए। तो इसी तरह चलता रहेगा, अल्लाह अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, वो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो, हक अल्लाह। ये मेरा घर का लॉन है, गार्डन है, माशाल्लाह माशाल्लाह सब अल्लाह की। इस घर में मेरे बहुत दोस्त आते थे, दो परिश साहब आए, उसका बेटा आमिर कुरैशी आया, उनकी बेगम आई है, तहसीन जावेद साहब आए, सैयद नूर साहब भी आए थे, उसके अलावा जुल्फनैन हैदर आए हैं, उसके अलावा हमायूं कुरैशी, उनकी बेगम भी यहाँ आई है। और मेरे पुराने घर में भी आपको बताया कि आसिफ खान, मदन मुनीर, मुइन अख्तर, सीमा रिजवी, और इस तरह के, और लियारी के जो बलोची डांस करने वाले लोग थे,
जो दोस्त थे हमारे वो भी आते थे। तो ये मेरा घर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। महमूद सुल्तान की चंद अहम और काबिल जिक्र फिल्मों में शीदा पिस्तौल, अब्दुल्ला दी ग्रेट, हसीनों की बारात, गुना, मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली, सबके बाप, चलती का नाम गाड़ी, बख्तावर, यादगार, जलते बदन, चाहत, अलवेला आशिक, ट्रैफिक जाम, सरकटा इंसान, हम सब चोर हैं, तड़प, गलियां, कूचे और बाजार, मोहब्बत के सौदागर, आज का दौर, स्मगलर, इल्ज़ाम और सिंधी फिल्म पलान शामिल हैं। हालिया बरसों में महमूद सुल्तान ने एक्टर इन लॉ और रॉन्ग नंबर 2 जैसी कामयाब फिल्मों में अहम किरदार अदा किए। महमूद सुल्तान ने एक बॉलीवुड मूवी वेलकम टू कराची में भी काम किया है जिसकी शूटिंग बरतानिया में हुई। उनके कैरियर का संग मील ब्रिटिश हॉलीवुड मूवी लाइज वी टेल है जिसकी कास्ट में गैब्रियल बैर्न, बॉलीवुड एक्टर हरीश पटेल और मंजर सहबाई भी शामिल हैं। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर इस मुल्क को रखना, मेरे बच्चों संभाल कर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हाँ, ये बच्चे हैं, पाकिस्तान का दिल धड़कता है। दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, जिंदाबाद।